गाइज आज है पायल का बर्थडे और हैप्पी बर्थडे पायल। हैप्पी बर्थडे पायल, आप हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइज पायल यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन मुबारक हो, ठीक है जी। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खुशियां मिले भगवान बहुत आपको, ज्यादा भगवान बहुत तरक्की बहुत दे, तरक्की बहुत दे, बहुत खुशियां दे आपको। मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस बस किचन में काम कुम हो चुका है, सुबह का नाश्ते की तैयारी चल रही है, पूजा हमारी होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। अच्छा। अभी पूजा करते हैं, बस करते करते वो सामने बच्चा डॉली रो पड़ा था। अच्छा। उसके लिए टॉफी ले लिए, बिस्कुट दे दिए थे मैंने अभी उसको। तो अच्छी बात, एक सिपर दे दे यार उसको। छोटा ही पड़ा है ना आपको, वो पूछी कोको है ना, पूछी कोको के पास बार बार आई जा रही है और खेलने के लिए। अच्छा। हाँ उसको, उनको बुला रही है। अच्छा, बस मैं जा रहा हूँ समाज को देखकर जाता हूँ। गाइस पूजा भी करते हैं साथ साथ काम भी करते हैं। और सार्थक का कॉल आया था, सुबह सुबह ही निकल गए हैं मथुरा की। और वो तर... वहाँ के गए हुए कोई आश्रम में। अच्छा हाँ, जहाँ पे नहीं सार्थक का नहीं सार्थक का फोन आया था। अच्छा मैसेज भी किया था उसने, मैं वो गए हैं वहाँ पर, क्या कहते हैं यार, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने राम जी को दर्शन दिए थे। हाँ, वहाँ पर गए हैं वो। अब याद आया मुझे, वो सार्थक को सब पता होगा, आप भूल जाते हो। अरे सुबह सुबह मैं नींद में था ना, जब फोन आया था तो कहता पापा मैं का नया वाला दे दे, तो नया सिपर दे दे, वो अंदर ही पड़ा उठा के दे दे। तो गाइस बच्चे को नया सिपर दे देते, जो हमें ग्लूकोज के साथ मिला था, ये वाला बच्चे को सिपर दे देते हैं बड़े वाला। और वो कह रहे था जहाँ पे राम जी को दर्शन देते ना वाल्मीकि जी ने, वहाँ पर क्या कहते हैं जा रहा हूँ मैं। सुबह सुबह नींद में था, मेरे को ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। और बस गाइस पूजा वूजा करते हैं अभी थोड़ी देर में, और फिर मिलते हैं नाश्ता वास्ता करके आपसे, ठीक है जी। पहले मैं इसको ये दे आऊं चुकी। बिस्कुट खाने तूने, बिस्कुट क्या खाएगी, चिज्जी देता हूं। खुश हो गई है खुश हो गई है, ऐसे आंखें कैसे कर रही है, शर्मा रही है सामने से। ठीक है खा ले, टॉफी दे दिए, सिपर दे दिया, आराम से बैठ के। जय माता दी मंदिर में पूजा हो चुकी है, वो बच्चा कितना खुश हो रहा है बाहर। बॉटल दे दी मैंने उसको, और ये चूहियों ने आतंक मचाया हुआ, ये देखो सारे ना फूल फूल तोड़ के पीछे ले जाते हैं मंदिर के पीछे, कितने सारे फूल इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और जय माता वगैरह कर लिया मंदिर में, और करते हैं काम कुम करते हैं, और फिर नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद दुकान में जाने की करते हैं तैयारी। मिलते हैं आपको थोड़ी सुबह सुबह। नाश्ते में बन रहे हैं मूली के परांठे, और डॉली ने क्या बनाया है, मूली का पत्ते भी हैं। हाँ पत्ते भी हैं, ये देखो। और मसाला डालेगी अभी डॉली ने, ये बना दिया मूली की। तो गाइस मंगलवार से मूली आई हुई थी, आज उसका संडे वाले दिन मूली पड़ी पड़ी बेचारी परेशान हो गई थी, टाइम ही नहीं मिला। अब और कुछ डिश बनाते तो खाते रहते, तो मूली को मौका भी तो मिलना चाहिए। तो गाइस बस मूली के पराठे खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं सीता। भाई 10 बार ताने मारे गए मुझे, 10 बारी ताने मारे हैं, तब 15 बारी इसने मिर्चे में डाली। भाई मिर्च नहीं डाल रही हल्की सी, तो यार बिना मिर्च के मतलब चीज बनेगी कैसे बिल्कुल। भाई मैं मिर्च नहीं खा सकता, रात को खाई थी डिनर में उन्होंने सब्जी में कितनी मिर्चे डाली थी, तो तुम्हारे लिए सही था मगर मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पाइसी। थोड़ी सी तो इंसान मिर्च तो खाएगा ही ना, बिल्कुल नहीं कहेगा तो कैसे रहेगा। अच्छा जी थोड़ी सी मिर्च खानी पड़ेगी जी। तो गाइस करते हैं नाश्ता, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। डॉली को कितना, वो बच्ची कितनी खुश हो गई, सिपर देखे ना, खेली जा रही है उसके साथ। खुशी हो जाती है बहुत ज्यादा कि कोई चीज मिली है मेरे को, छोटी सी बच्ची हो, खेल बेचारी आती है। तो गाइस अब सार्थ काकू को उठाते हैं, उसको बिठाते हैं, ट्यूशन व्यूशन जाएगा ना आज तो। हाँ जाएगा। चलो जी नाश्ता करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। है हमारे एनिवर्सरी पे एकादशी है, हम फ्रूट की बाल्टी देंगे सबको सबको बनाना। हाँ डोले फ्रूट चाट की बाल्टी दे देंगे सबको हम। हाँ एकादशी है, एकादशी में सही चावल नहीं खाते, नहीं खाना खा सकते हैं। अरे नहीं हम फ्रूट देंगे ना, हम भगवान जी को तो फ्रूट का भोग, हम भगवान जी को फ्रूट का भोग लगता है सबको, फ्रूट दूध का, दूध गरम गरम दूध पिला देंगे, इलायची वाला दूध पी सकते हैं, इलायची वाला स्नैक्स खा सकते हैं, सिर्फ चावल नहीं खाते एकादशी। अच्छा चावल नहीं तो खाते भैया, अमन भैया नहीं खाते, बाकी सब खाते घर वाले। भगवान जी का भोग तैयार हो गया था, और ये डॉली ये देखो अमरूद पेड़ से तोड़ के लाया हूँ, कितने मस्त वाले अमरूद है। कब चढ़े थे? कल पेड़ को रात में चढ़ा था, कल सुबह चढ़ा था, रात को उतरा हूँ पेड़ से, रात को बारिश में चढ़ गए होंगे पक्का। फ्रेश फ्रेश अमरूद लेकर आया था, और ये खाने में अमरूद खाने का मजा ही है। भी डाल के ना अच्छे तरीके से स्लाइस कर दिया मैंने पतले पतले, और इसका बाद में टेस्ट बनेगा जी, सीधी सी बात है। अभी टमाटर भी भुनेंगे, मसाले को तकरीबन 70% तक आपने इसको पका लेना, मसाले को जो ग्रेवी इसका तड़का बनेगा
उसके बाद देन पीसना है इसको। तो गाइस जो ग्रेवी हमारी ये देखो कितनी थिक बनी है, सबसे पहले हमने मसाला डाल दिया, अब यही जाएगी जो सारा जो ग्रेवी वाला मसाला इसमें जाएगा, और उसके बाद जाएंगे ये पनीर के कुछ टुकड़े, ठीक है जी। उसके बाद फिर देन ग्रेवी, हमारी जो भी ग्रेवी है ये गए, और उसके बाद फिर जाएंगे आधे पनीर के ये टुकड़े। उसके बाद फिर हमारी जो ये ग्रेवी है, ये ग्रेवी जाएगी, ऐसे प्रोसेस आपने करना पूरा का पूरा, जितनी भी जो ग्रेवी है सब डाल देनी है इसमें। बड़ा ही मस्त वाला फ्लेवर आया है, एक बार फिर दिखा दूँ आपको, क्या हरी मिर्च का फ्लेवर, डाली थोड़ी सी करना गैस। ये दो पनीर देखो क्या मस्त वाला, हांडी में जो बना है ना पनीर निकल के आया, क्या मस्त वाला पनीर निकल के आया भाई, अजवा ये देख लो फ्लेवरफुल है। और डॉली जी आप खा के देख लो भाई, मैंने खा के देख ली, अच्छा मस्त हो रहा है, वो है माँ जैसी आई हुई है, माँ जैसी है, काकू खा रहा है, काकू खा रहा है, काकू खा रहा है, काकू खा रहा है, कैसे बना है, रिव्यू कैसा है, सच में पक्का भाई 10 में से 15 मिलेगा पूरा, 10 में से 15 नंबर, डबल तो गाई 10 में से 15 नंबर। मासी जी, मासी जी सही बना है, मासी जी आप भी कोई रेसिपी मंगवा रही है, हंडिया लाके दो उसको भाई, हमें तो अंकल ने बोला था, अब इसको तुम सजेशन दे दो, हंडिया चाहिए आपको मासी, हाँ बिल्कुल, और कोई रेसिपी भी देना भैया, हंडिया तब मिलेगी जब आप रेसिपी दोगे, ठीक है, ठीक है। चलो जी ढोकला पार्टी चल रही है, हाँ मैं ढोकला खाएगी मासी, क्योंकि तला हुआ खाती नहीं है वो बिल्कुल भी, तला हुआ नहीं खाती, स्लिम ड्रीम, स्लिम ड्रीम बन रही है, हमारा पेट देखो हम खा खा के इतना मोटा पेट निकाल लिए। तो गाइस बस बैठ के चाय पी जा रही थी, और टाइम देख लो तकरीबन 7 बज, राधे राधे सार्थक आ गया, उसको लेने आ गया था बस, उनके राम के आगे श्री कृष्णा, राधे राधे, भाई से मिलने, भाई से मिलेगा नहीं, हेलो 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 हेलो, चलो भाई आ गए हो, अच्छी बात है। माता श्री कहाँ पर है, पूजा अर्चना, बच्चा आ गया, ये देखो ये इसका ये वहां पर हो रहा है, मैं यही दिखा रहा हूँ आपको, ये एक और हंडिया आ गई है हमारे घर पे, और दो हंडिया ये देखो जी, ये क्या है, दाल है, इसके अंदर दाल है, मासी जी ने बनाई है, पूरी रेसिपी मैंने आपको दिया है, एक बारी दिखा दो यार, एक बारी ना चम्मच के अंदर पूछो, क्या मस्त वाली दाल मखनी बनाई है मासी ने, उसकी रेसिपी मैंने आपको बता दिया, हरी मिर्च भी है भाई, हरी मिर्च भी है तैयार रही है इसके अंदर, इस हंडिया के अंदर दाल भी बनी है, दाल मखनी भी बनी है, और शाही पनीर भी, कढ़ाई पनीर भी बना है, और हंडिया के अंदर वाकई जो दाल का फ्लेवर आया ना, बहुत औसम वाला फ्लेवर आया यार, बहुत औसम, और पनीर का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आया था, और दोनों चीज़ें बनी है, मासी ने सिर्फ बनाया है, जो वॉइस सेटिंग मैंने करके दिया क्योंकि मासी की किचन में बनाया है। डॉली जी कहाँ पर हो, आपकी बहन ने भेज दिया भैया, ले लो जी आपकी बहन ने ही भेजी हंडिया, ये तो आटे के साथ ही है, आटे के साथ खा उठा देखो, इसको रखो आप पकड़ के दिखाओ जरा, ये लो जी दाल, दाल के वो दर्शन तो करा दो, दाल मखनी है, दाल के बाहर निकाल के ये देखो, तो गाइस क्या मस्त वाली दाल बनी है भाई साहब, बहुत अच्छी सी दाल बनी है, हमारे पास बनकर आ चुकी है, महाराजमा की दाल, महाराजमा की दाल है, और तोड़ी पे क्या मस्त वाली, तोड़ी भी बोलते हैं ना इसको शायद, तोड़ी हंडी, तो गाइस इसकी मैंने वो बॉयल है और एडिटिंग करके अपनी मस्त मस्त है, और कैसे कैसे तरीके से बनाई है, एक बार आप ट्राई जरूर करना, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें आज डिनर के अंदर, ये तो दाल मखनी, शाही पनीर, ये हांडी पनीर है, हांडी दाल, मूंगी मसरी की दाल, मूंगी मसरी की दाल भी दिखा, छोले, ये देख लो आज हमारे पास दालें कितनी चीजें है, एक तो और मेन चावल इसलिए नहीं बनाएगी, वो थका हुआ है, गला खराब ना हो जाए, हांडी और... हांडी वाली दाल है, ये हांडी वाला पनीर बना था, ये मूंगी मसरी की दाल है, ये ब्लैक और ब्लैक है। ये है वो भुर्जी, कल वाला मेन कोर्स आ गया, मूली की कल वाला मेन कोर्स, कल से भी ज्यादा चीजें हो गई हैं, कल पनीर शायद कढ़ाई पनीर और दाल मखनी आई थी, आज डोली सेम वही वाला हो गया, सार्थक भी आ चुका है, तो सार्थक है हमारे साथ, हमने अकेले खाया था, सार्थक के साथ खाया, सार्थक ने वहाँ पर खाया था, गाइस को दिखाएगा अभी, दोस्तों याद करता आज हमारे साथ खाएगा, तो गाइस सार्थक का जो ये ब्लॉग है ना, ये सुबह आया है, आपने देख लिया होगा, ठीक है जी, एक इसका जो एपिसोड है वो कल आएगा जी, एक दो एपिसोड बनाए हैं इसने वहाँ पर डॉली, एक एपिसोड आ जाएगा, एपिसोड कल आएगा, तो गाइस ये कढ़ाई पनीर की जो रेसिपी है ना, ये भी काकू फैमिली ब्लॉग में देख लेना, कढ़ाई सॉरी हांडी पनीर कैसे बनाया, और हांडी मखनी दाल मखनी की जो रेसिपी है
वो एक दो दिन में डालूंगा काकू फैमिली ब्लॉग में, ठीक है ना। ये क्या खाना कौन देगा? खाना मैं दे रही हूँ, हमारा फैशन शो चल रहा है। वो देख रहे थे कि भाभी बाल बड़े सीधे हो गए, बिल्कुल मेरे का हाथ पूंछ हो गए बहन। अब क्या ये सीक्रेट बातें कौन सी चल रही? दरवाजे किसने बंद किया था ये वाला? हमने किया था क्योंकि बातें बाहर जाती है ना, हर बात बात बाहर नहीं जानी चाहिए ना। अच्छा हमें पता है, भैया क्या पता कान लगा के सुन रहे हो। सुनो तो नहीं, वैसे हमने क्या बात करी है? क्या सीक्रेट बातें चल रही थी? सीक्रेट तो सीक्रेट ही होता है, बार बार थोड़ा बताना होता है। सॉरी मैं ऐसे इतना बता रही हूँ कि अब घर में हमारे होने वाला धमाका है ना, तो भाभी ने बोला कौन सा धमाका होने वाला। मैंने बोला वो तो सीक्रेट है ना, मैंने इनको बता दिया, अब वो इनकी मर्जी आपको बताना है कि नहीं बताना है ना। आपसे बातें छुपाऊंगी रखूंगी, अब गाइस से पूछना पड़ेगा बताना नहीं। छुपा के रखो, ये वाली बात छुपा के रखनी पड़ेगी, एकदम से इनके ऊपर धमाका करना। निकी ने खोला सीक्रेट राज। सीक्रेट राज बोला, सीक्रेट राज खोल दिया भैया, क्योंकि मुझे ना पता लगा था ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर। आप सुनकर हैरान रह जाओगे, दीवारों के भी कान होते हैं, मैं कानों से सुन के अच्छा यानी कि सुन के आगे मेरे से बातें कर रही थी। खुशी आने वाली है घर पे, खुशी आने वाली है। चलो भैया अच्छी बात है, मजेदार वाले मस्त। चलो भी तैयारी कर लो, सबकी होगी एक अच्छी वाली एंजॉयमेंट है ना। एंजॉयमेंट तैयारी शुरू कर दो सब लोग, गर्मी होगी एंजॉयमेंट मस्त। चलो ठीक है भैया, और को डिनर विनर दे दो। अच्छा बाल देख रही है निक्की, बाल देख रही है। हाँ, बाल कितने देख रहे हैं वैसे बालों के। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल निक्की की तरह बालों के, सीधे बालों के, सीधे बालों के। पुराने बालों को थोड़ा पता लगता है, भारी भारी बने, भारी खत्म। आज आ रही है हंसने हंसने की, हाँ निक्की की हंसने की आ रही है। आप नीचे बैठो, सीक्रेट आज खोल रही है। मेरी बुराई कर रही है? नहीं बुराई आपकी नहीं कर रही, वैसे बैठे गप्पे मार अच्छा रहे हैं। हो सकता है कोई बात नहीं। अरे मजाक कर, वो गप्पे गुप्पे कर रहे हैं। मैं समझ गई, मैं बस ब्लॉग सार्थक आ गया था ना ऊपर, मुझे मिल गया था सार्थक। सही रहा ना उसका? हाँ सही रहा, वृंदा में घुमा है सब कुछ है, कह रहे प्रसाद प्रसाद सबका अलग अभी करके ना। ब्रिजवासी, ब्रिजवासी वाला फेमस नहीं है जो मथुरा के पेड़े वाला, वहीं से लेके आया। एक ब्रिजवासी यहाँ है जो मथुरा के पेड़े वाला है, बिल्कुल सामने ब्रिजवासी है, उसका रेस्टोरेंट है। मैं कहती हूँ हर चीज टेस्टी, आलू पूरी ले ले टेस्टी, तू डोसा ले ले टेस्टी, सांभर वाला ले टेस्टी, कंचन भी जब हम गए थे हर चीज टेस्टी। वो पता क्या कह रहा है सार्थक, कहता है पापा वहाँ जैसी लस्सी वो मिल नहीं सकती यहाँ पर। मैंने कहा जो मिल्क का फर्क रहता है भैया, मिल्क का फर्क, दूध का फर्क रहता है। हाँ तभी करके वहाँ पर फेमस है। मैं थी ब्रिजवासी, मैं इनको यही कह रही थी कि कभी भी हम दोबारा जाएंगे ना, पेड़े लेंगे इधर से और खाएंगे इधर। मैं कहती हूँ गोल्डी तू भी कभी जाऊंगा छुट्टियाँ, उसका डोसा, इसकी आलू पूरी, इसके वड़े पाव, और उसमें क्या था, हमने क्या क्या लिया था, छोले भटूरे और एक एक मतलब एक एक चीज ले ली थी ना। हाँ। वड़ा पाव वो नहीं होता क्या, क्या कहते हैं वो जो बंद होते हैं सब्जी, क्या बोलते हैं, पाव भाजी, पाव भाजी। हाँ बच्चों ने पाव भाजी ली थी, बहुत टेस्टी। चलो मैं सबसे अच्छा था डोसा जो मेरा फेवरेट है। हम भी जाएंगे बस अभी थोड़ा, सार्थक काकू के पेपर होने वाले, निकलेंगे फिर देखते हैं, नीटू को गाड़ी लेके जाएंगे फिर घूम जाएंगे। देख लेना वो तो मथुरा हुआ है, तुम कहीं और चले जाओ। जाऊंगा अभी तो। गाइस चाय बन रही है अंदर, सब बैठे हुए हैं, निक्की है, रौनक है, डॉली है, काकू वगैरह, हम सब चाय पार्टी कर रहे हैं। ठीक है ब्लॉग पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर, कमेंट्स पढ़े और ये सारे टकटकी लगा के पढ़ रहे हैं अपने ब्लॉग पढ़े टीवी में। चाय पार्टी बन रही है, चाय चाय यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी पार्टी हो रही है यहाँ पे, टी पार्टी हो रही है। तो गाइस बन गई है चाय बढ़िया सी, अब अंदर देखते हैं, एंजॉय करते हैं, की रौनक वगैरह, सब बच्चे बैठे हुए। हाँ बैठे हुए सब ब्लॉग देख रहे हैं, सब ब्लॉग देख रहे हैं। चाय ठंडी हो गई है, ये देख ले चाय ठंडी हो गई तुम्हारी। तो गाइस टाइम भी दिखा दो आपको, काकू दिखाइए मोबाइल। तो गाइस टाइम दिखाते हो, पेपर है ये भी तैयारी करेगा। तो गाइस ये टाइम देख लो, एक बजकर एक मिनट, एक बजकर एक मिनट हो चुके हैं, एक बजकर एक मिनट, हमारी चाय चल रही है। हाँ जी, तो इसी के साथ हम डॉली जी कर रहे हैं ब्लॉग का, कर रहे हैं अंकल, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ है ना भाभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी चाय के साथ एंजॉय करो। मैं ये पी रहे ग्लास में चाय और मैं पी रहा हूँ अपने मग में, तो इसीलिए आप गरम पीते हम ठंडा पी रहे हैं। चलो चेयर्स करो चाय, चलो भाई चेयर्स करो, बाय बाय। तो गाइस अब ब्लॉग एडिट भी करने, अब देख लेना कितना टाइम लगता है। फूका नली जो पायल गोलू के लिए खाए थे वो पड़ा हुआ है, निकाल निकाल वो भी निकाल। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय डॉली।